नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ, लेकिन अब किस तरह से उनके अपने ही उनकी सरकार को गिराने पर तुले हुए हैं और सीधे सीधे उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो सीधे सीधे फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार के सामने कई बड़ी मांगे रख रहे थे और तब भी देखा जा रहा था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को सीधे सीधे झुकाने का काम कर रहे हैं। हर किसी को लगा कि जब फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत दिखा देंगे, जीतन राम मांझी की तमाम शर्तों को पूरा कर देंगे, तो जीतन राम मांझी पूरे तरह से नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी तो अभी भी बगावती सुर अलापते हुए नजर आ रहे। जीतन राम मांझी यहां पर सीधे सीधे अब नीतीश कुमार की ही मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा और सीधे सीधे तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर कर दिया। देखने के लिए मिलता है कि कई दल सीधे सीधे नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं और जिसमें हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी होते हैं। जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले तो वही हैं, उनके पास तो खुद मुख्यमंत्री बनाने जाने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने सच का साथ दिया बीजेपी के जो यहाँ पर राय थी, जो विचार थे, जो विचारधारा थी, वो जीतन राम मांझी को काफी ज्यादा पसंद आई और इसीलिए उन्होंने एनडीए का साथ दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी नई नवेली नीतीश सरकार को लेकर। मैं कहने की क्या बात है, ये तो आप लोग गणित देख लीजिए ना कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ बाई वोट तो 125 वोट आया और यही कहा गया था कि आप जाइएगा तो 10 वोट इधर है और आप चल जाइएगा तो उधर हो जाएगा 121 और इधर हो जाएगा 130। तो हम नहीं गए तो 125 रहा और फिर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात आई तो वही 10-5 को आ गए तो 130 हो गए। आपने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया राजद की तरफ से मिला हुआ ऑफर और यही बात तो सही थी, ऑफर तो सही थी कि आप आ जाइए, वो 10 को हम रखे हुए हैं, आपको मुख्यमंत्री बनावेंगे। हम कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को वादा किया है और नीतीश कुमार को वादा किया है कि हम आपके साथ हैं। बराबर नहीं बल्कि ज्यादा हो गई। उन्होंने तो अपने मन से बनाया था, अपने स्वभाव से बनाया था, उनके साथ है वो या नहीं थे, कोई गड़बड़ नहीं होता, किसी दूसरे को ही बना देते। यहाँ पर अगर हम इधर उधर हो जाते तो फिर मामला साफ था। उस समय मजबूरी थी सर, आपने तो अपना बलिदान दिया, सब कुछ किया। चलिए और दूसरी बात बोलिए। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पास सीएम बनने का ऑफर था लेकिन उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया और अब यहाँ पर वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं की सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से बिहार में लगातार शराब के खेल को यहाँ पर वो बंद करने की बात कर रहे हैं और बिहार में जो एक काला बाजार चल रहा है शराब का, उस पर वो किस तरीके से मांग करते हुए नीतीश कुमार से नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार मिलता है उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए। ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहें अच्छा हम ठीक कर देंगे। 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया, आज हमारी धातु सीता आज 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सब, आज एक गुण ताड़ी में है, औषधि है वो, आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिट मत होइए शराब नीति की
आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पुनः विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे, ये हम दावा करते हैं। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पर जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और यही तमाम चीजें हैं जिन्हें देखकर बार बार लग रहा है कि क्या जीतन राम मांझी अभी भी बिहार में कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, जिसकी चेतावनी तेजस्वी यादव ने दी थी। हाँ, आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना था, और फ्लोर टेस्ट से पहले किस तरह से तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि खेला अभी बाकी है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव के उस बयान को। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना ले। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी, और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया, आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई, और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था, हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियाँ देने का काम किया, और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है, और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया, ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने नौकरियां दिया, तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते, अरे हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराज़गी है, हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह तो देखा आपने और सुना भी, अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी को अब सच करते हुए जीतन राम मांझी नजर आएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाते हुए सरकार में आने के बाद, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जिस खेले की बात यहां पर तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे थे, अब वो खेला यहां पर सीधे सीधे जीतन राम मांझी तो नहीं कर देंगे। देखना काफी अहम रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बेहद ज्यादा नजदीक है, और ऐसे में एक एक विधायक, एक एक सीट
वाकई में एनडीए के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार जीतन राम मांझी क्या वाकई में बिहार में कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।